नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज, खबरें विस्तार से। रायपुर में अभिनेता अभिषेक ने प्रेस वार्ता कर बेरा एक अघोरी फिल्म के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि धीराल एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति हिंदी फिल्म बेरा एक अघोरी हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इसकी शूटिंग नागपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बॉर्डर पर की गई है। फिल्म के लेखक शक्तिवीर धीराल हैं, साथ ही प्रेम शक्ति ने म्यूजिक दिया है। यह फिल्म ऑडियो लैब मीडिया कॉरपोरेशन की तरह पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। बेरा की फिल्म की बात करते हैं पहले। बेरा एक अघोरी इस फिल्म में मेरा है इशी का नाम है, जो कॉलेज स्टूडेंट दिखाई गई है और राजवीर की गर्लफ्रेंड दिखाई गई हो। प्रोफेसर साहब जब हमें कहते हैं कि 500 साल पुराना हीरे के बारे में, तो हम सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, तो उसमें से मैं भी एक हूँ स्टूडेंट। तो कैसे हमारी जर्नी है, तो इस आधार पे मेरा एक कैरेक्टर है। और हाँ, आपका सवाल ये था कि इससे पहले मैंने मराठी मूवीज़ कर चुकी हूँ, जैसे मेरी ईमेल फीमेल मूवी आ चुकी है। अभी हमारी एक मूवी भी आने वाली है, उसका भी मैं सुझाव ली, जो यही इंतजार है। तो हमने पहले काम कर चुके हैं, तो इन शक्तिवीर धीराल जी ने मेरा काम बहुत खूबी से देखा है, तभी तो इनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इस प्रोजेक्ट में हूँ। और मैं राजू भारती जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि फिल्म में कोई ना कोई 4-5 प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, इतना पैसा लगा नहीं पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बट इनकी इतनी मतलब अंदर से दिलदार बंदा है कि इन्होंने हमारे फिल्म में इन्वेस्ट किया। तो सबसे सर सीरियसली आपकी वजह से हम यहाँ पे हैं, तो मैं तहे दिल से मीडिया के सामने मैं इनको शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वजह से और खास करके मीडिया के वजह से हम टॉप तक पहुँच पाते हैं। आप नहीं है तो हम कुछ नहीं है, तो सबसे आपका आशीर्वाद है तभी हम यहाँ पे आए हैं ये रायपुर में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह जाना भी है, लेकिन आपका आशीर्वाद के बिना हम तो जा नहीं पाएंगे। एक्चुअली मैं हूँ शक्तिवीर धीराल, इस फिल्म का राइटर एंड एक्टर। एक्चुअली फिल्म का मकसद ऐसा किसी के जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है फिल्म बनाने का, ये जो रहा है कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हमने ये काल्पनिक बेस पे ये फिल्म बनाई है, और जो फिल्म देखने वाले श्रोता होते हैं उन्हें हम एंटरटेन किस हद तक दे सकते हैं, तो हमने इस फिल्म में वो चीज़ रखे है। फिल्म में हॉरर है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप कुछ ट्विस्ट बनते हैं, और ट्विस्ट के साथ ऑडियंस को बिल्कुल बांधे रखती है ये फिल्म, कि स्टार्ट से एंड तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो वो थिएटर से बाहर निकलेगा, क्योंकि कुछ डरावने सीनों के साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी ऐसे ज़ोरदार तड़का लगाया है बेरा एक अघोरी में। और ख़ास बात उनको और मज़ा आएगा कि 500 साल पहले का एरा दिखाया गया है, और 500 साल बाद का जो हम 1000 करोड़ के हीरे के खोज में निकलते हैं, और क्या क्या वहाँ होता है, कैसे कैसे वहाँ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे किस किस के मर्डर होते हैं, और आखिरी मोमेंट पे हम जब पहुँचते हैं तो वो जो ट्विस्ट है हमने बनाए रखा है, जो आपको थिएटर में आने के बाद पता। अभी बता दें कि पूरे वर्ल्ड में रिलीज होने वाली है मूवी जो आ रही है बेरा एक अघोरी, जिसके जो है राइटर व एक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जो 28 अप्रैल को रिलीज होने वाली है बेरा एक अघोरी, जो पूरे विश्व में रिलीज होने वाली है, क्या कुछ खास है फिल्मों में। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधन। नमस्ते जी। सबसे पहले तो जानेंगे कि जो फिल्म का टाइटल जो बना है बेरा एक अघोरी, उसको लेकर क्या कहेंगे, बेरा जो नाम में ही कुछ अलग है, खास है। जी, मैं हूँ इस फिल्म का एक्टर एंड राइटर शक्तिवीर धीराल। बेरा ये जो नाम है आप लोग बखूबी जानते हैं, बेरा का मतलब होता है समय, काल, वक्त। तो इस फिल्म में दो एरा दिखाया गया है, दो काल दिखाया गया है, 500 साल पहले का एरा दिखाया गया है और 500 साल बाद का। जो 500 साल पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में एक अघोरी होता है जो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी जानवर या इंसानों का भी, तो ऐसा कुछ कारवा है। फिर उसके बाद 500 साल बाद वो अघोरी कैसे ज़िंदा होता है, ये बहुत सी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और 500 साल बाद हम सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, और हमारे कॉलेज से प्रोफेसर से ये पता चलता है कि 500 साल पहले का हीरा कहीं खंडरों में छुपा हुआ है,
जो हीरे की कीमत 1000 करोड़ है, तो हम उस 1000 करोड़ के हीरे को खोजने के लिए निकलते हैं और वहाँ जाने के बाद कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे किस किन के मर्डर होते हैं और कैसे कैसे सस्पेंस होते हैं, वो आप लोगों को फिल्मों में जाकर देखने को मिलेगा। और लास्ट मोमेंट पर आपको ऐसा कुछ ट्विस्ट मिलेगा जो आप हैरान हो जाओगे। और इस फिल्म में कॉमेडी है, एक्शन है, लव है, हॉरर है, मर्डर मिस्ट्री है और बहुत सारा रोमांस से लेकर हर एक तड़का लगाया है कि ऑडियंस को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो एक ट्विस्ट के बाद एक ट्विस्ट मिलते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ट्विस्ट मिलते जाएगा कि आपको लगेगा कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। ऐसा ट्विस्ट इसमें है जो ये फिल्म अभी आने वाले 28 अप्रैल को हमारे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है जी। लेकिन बिल्कुल इस फिल्म के, बेरा एक घोरी फिल्म के आप राइटर हैं, जानना चाहेंगे कि ये स्टोरी आपके मन में कैसे आया, कैसे इस फिल्म को आपने सोचा कि इस प्रकार के फिल्म जो है आनी चाहिए जी। सही मायने में बताना चाहूँ तो कहीं समय से जो कोविड चल रहा है, कोविड के बाद ज़्यादातर एक्शन मूवी हुई है और कॉमेडी फिल्में हुई है, लेकिन हॉरर फिल्मों का कारवा बहुत कम देखने को मिला है, हॉरर फिल्मों का जोनर भी बहुत कम देखने को मिला है। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि क्यों ना हॉरर के ऊपर फिल्म लिखी जाए। और जब हॉरर के ऊपर स्टोरी लिखते समय भी मुझे यह आया कि फिल्में तो बहुत सारी आती है जैसे भूतों पर, चुड़ैलों पर, आत्माओं पर, मैं नया क्या लिखूँ, नया क्या दे सकता हूँ ऑडियंस को। तो फिर मेरे माइंड में एक अघोरी का ऐसा कंसेप्ट आया जिस पर मैंने स्टडी किया और अघोरियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर इस फिल्म को कैसे बना सकूँ, ये मेरे माइंड में आया। और मैंने फिर इसे लिखने के बाद, स्टोरी लिखने के बाद स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखी और फिर डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म को भी बहुत बेहतरीन तरीके से शूट किया है, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। हमारे प्रोड्यूसर राजू भारती जी, उनको ये स्टोरी सुनाने के बाद पहले ही इसमें उन्होंने हाँ बोल दिया और ये फिल्म बन के यहाँ तक रेडी हो पाई जो आपको आने वाले 28 अप्रैल को देखने को मिलेगी। तो इस फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री कौन कौन है, फिल्म की शूटिंग भी कहाँ कहाँ हुई है उसके बारे में बताएंगे जी। देखिए ज़्यादातर ये शूटिंग महाराष्ट्र में और साउथ में हुई है, लेकिन उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ हमने सीन लिए हैं और हमने बाकी जगहों पे भी जाके सर्चिंग करके अलग अलग जगहों पे हमने इसकी शूटिंग की है। और क्या कुछ खास है फिल्मों में, दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जी? फिल्म में खास ये है कि आपको इस फिल्म में फुल एंटरटेन हो गए आप, यहाँ की जनता और दर्शक भी फिल्म देखने के बाद खुश होंगी, क्योंकि उन्हें एक इंसान जब थका हारा होता है अपने कामों से अपने घर जाता है तो लगता है कि यार कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए ज़िंदगी में, तो वो इस फिल्म को देखकर अपना फुल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ की जनता को, गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने इसमें दिए हैं। शाहिद माल्या, नकाश अजीज़ ने इसमें गाया है, वैशाली माड़े जी ने गाए हैं जो अभी के टॉप के ये सिंगर्स हैं, तो गानों का भी बहुत अच्छा मेल मिलाप हमने यहाँ दिया है और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा दिया है जो ऑडियंस को ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। हमारे साथ इस फिल्म के, बेरा एक अघोरी फिल्म के प्रोड्यूसर राजू भारती भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। राजू भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। थैंक यू मैम। मैं राजू भारती, एज अ बेरा एक अघोरी फिल्म का प्रोड्यूसर, आपको वो हमारे फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी मूवी हॉरर मूवी है और छत्तीसगढ़ में आने का विषय जो हमने चॉइस किए, छत्तीसगढ़ बोलते हमारे महाराष्ट्र के बाजू में छे, नागपुर के हम प्रॉपर लोग हैं, तो हमारे फिल्म में हॉरर की जगह हॉरर है, सिंगिंग की जगह सिंगिंग है और छत्तीसगढ़ की फिल्म आपको इसको बोल सकती है। इसका मतलब यह है कि हमारे फिल्म में 250-300 लोगों ने काम किए बट यहाँ से 25-30 लोग रायपुर से और छत्तीसगढ़ से, जैसे हमारे को कुछ एक आधे सीन लेना रहा तो हमको हॉरर मूवी महाराष्ट्र और साउथ में नहीं मिली, तो हमारे फिल्म में एक आर्टिस्ट है नंदन नाम के, उन्होंने मेरे को राजनांदगांव के बारे में बताया, तो राजनांदगांव में हमें जो मिला सीन वो महाराष्ट्र में और साउथ में नहीं मिला, इसलिए अपने घर की फिल्म बोल सकते हैं। 25-30 आर्टिस्ट नए लोगों को हमने चांस दिए और ऐसा नहीं कि हमने हॉरर मूवी बनाए तो लोग, जैसे मैं मेरी बेटी हॉरर मूवी देखती तो कभी कभी एक आधे सीन पे नहीं कि हंसी आती उसको, डर ही नहीं लगता, लेकिन हमारे फिल्म में डरने की जगह डरना ही पड़ेगा और हंसने की जगह हंसना ही पड़ेगा, क्योंकि और यंग जनरेशन के हिसाब से और नए क्रेज के हिसाब से फिल्म में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, सिंगिंग सबसे बड़ा सिंगिंग,
तो सिंगिंग पे हमने भर दिया है ज़्यादा। और ऐसा नहीं बोल सकते आप फिल्म को देख के नए आर्टिस्ट, हमारी भलाई फर्स्ट फिल्म है, सब आर्टिस्ट नए है, वो मराठी पिक्चर में कर चुके हैं लेकिन हिंदी उनकी फर्स्ट मूवी है, तो उनको देख के आप नहीं बोल पाओगे कि उनकी फर्स्ट मूवी है करके। एक्चुअली लीड हीरो जैसे ही और सक्सेस जैसे ही किए, कोई भी सक्सेस शुरुआत पहले से ही करता है। और सिंगिंग में हमारे फिल्म में 3 गाने हैं, उसमें एक इंडिया के जाने माने सिंगर जो है नकाश अजीत जी, शाहिद माल्या जी, वैशाली माड़े जी, बड़े बड़े सिंगर को हमने लिए। और इंस्टाग्राम्स के बारे में क्या बोलूँ मैं, जब भी इंस्टाग्राम खोलता तो हमारे पिक्चर के ही गाने दिखते हैं। यानी कि इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से जो हमें प्यार मिल रहा है, वही प्यार छत्तीसगढ़ से आपको, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, और आपके पूरे ऑल अपने पूरे इंडिया में हमें मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, ये विश्वास है। आप इस फिल्म है जो बेरा घोरी फिल्म है, 28 अप्रैल को रिलीज हो रही, उस फिल्म के आप प्रोड्यूसर हैं, जब आपके समक्ष जब स्टोरी प्रस्तुत की गई, तब आपने इस स्टोरी को लेकर क्या कुछ सोचे और कैसे मन में विचार आया कि इसको बनानी है, रिलीज करनी है, इस पर जो फिल्म बननी चाहिए? एक्चुअली अपने ऑल ओवर इंडिया के, वर्ल्ड के नहीं किया, 2-3 साल कोरोना में ख़राब हुए, तो कैसे मुझे हॉरर मूवी का मुझे बचपन से शौक था, तो मैंने राइटर जी शक्तिवीर धीराल जी जो हमारे, उनसे मैंने बोला कि कोई हॉरर मूवी बनाया जाए, क्योंकि आजकल तुम देखो ना, कोरोना की तरफ से एक्शन मूवी आई, रोमांटिक मूवी आई, हॉरर मूवी कहाँ आई? तो मैंने हॉरर कंसेप्ट उनको बताया और उन्होंने 8 दिन 15 दिन 1 महीने बाद जब मेरे से मिले और उन्होंने जो स्टोरी बताए, तो मैं खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे को जैसी होना था वैसी स्टोरी शक्तिवीर धीराल जी ने लिखे, और डायरेक्टर के तौर पे प्रेम धीराल जी भी हमसे मिले थे, तो मैं रोक नहीं पाया, और इससे मुझे हॉरर मूवी बनाना मेरा पहले का चैलेंज था और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से भी? बेरा एक अघोरी फिल्म, हिंदी फिल्म आ रही है 28 अप्रैल को, जो पूरे भारत में रिलीज भी होने वाली है। मैं आप सभी, पहले तो आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और मैं पूरे रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी और इंडिया को एक मैसेज देना चाहूँगा, आने वाले 28 तारीख को, 28 अप्रैल 2023 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में बेरा एक अघोरी फिल्म, जो कि हॉरर मूवी है, वहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग है, सब रोमांटिक सीन है, सब चीज मिस मसाला, और आप फिल्म को देख के बोल नहीं पाओगे बॉलीवुड, आज के डेट में जो टॉलीवुड बॉलीवुड साउथ जो सिस्टम चल रहा है, एडिटिंग कलरिंग सब हमने साउथ में किया है, तो देखने में साउथ की ही फिल्म लगेंगी, आज जो क्रेज चालू है, और बहुत अच्छी फिल्म है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2-3 जैसे रिलैक्स होने के लिए 2-3 हॉर्स जो मिलते हैं अपने घंटे मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आप पिक्चर में जाइए, बेरा एक अघोरी फिल्म देखिए, आप खुद को 2 बार देखने में रोक नहीं पाओगे, उतना भी नहीं ट्रेलर भी देखोगे ना, तो आप पिक्चर देखने जरूर जाओगे। बस यही बोलना चाहूँगा, आपका प्यार हमें मिलता रहे, ताकि हम आगे छत्तीसगढ़ में फिल्म बना सकें और छत्तीसगढ़ में बार बार आने की प्रयास रहेगा हमारा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर पूरे विश्व में जो है रिलीज़ होने वाली है, 28 अप्रैल को होगी, बेरा एक अघोरी हिंदी फिल्म जो आ रही है, हॉरर फिल्म है बताया जा रहा है बिल्कुल। और हमने यहाँ पर जो है एक्टर व प्रोड्यूसर से चर्चा भी किए, प्रोड्यूसर राजू भारती का बिल्कुल कहना है कि इस फिल्म को आप 2 बार देखे बिना रुक नहीं पाएंगे, बिल्कुल जहाँ पर हंसने की जगह है वहाँ पर हंसेंगे, जहाँ पर डरने की जगह है वहाँ पर डरेंगे। मैं तेजस्वरी साहू, साधना न्यूज़ रायपुर। अभी बता दें कि पूरे वर्ल्ड